स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। साहब ने भी खेल दिखाना, बोला यार सुनो सिकंदर, तेरा गुरु जो बोल रहा है करता चल, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ बावन कसनी साहब ने दिए, पब्लिक को साहब के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने ब्लैकआउट किया है। इस तरह कबीर साहब ने ज़बरदस्त काम किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने उसको कहा कबीर साहब माँ के पेट से नहीं आए, बाकी जो आए इंसान थे, कबीर इंसान नहीं। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होके जो आया वो भी साहब ना, जो रजवीर से आया तो उसने गंदी शरीर धारण किया। कक्का केवल नाम है, बप्पा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा जिसका नाम कबीर। कितनी बड़ी शिक्षक थी साहब ने, 120 साल में जो कुछ बोला वो एक दिन क्या बोल के गया वो बताता हूँ। साहब ने कहा यार कोई मुझे हरिजन बोल रहा है, कोई कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा। वो इसलिए बोल रहे हरिजन के मुँह से शिक्षा नहीं ली जाती थी तब, ताकि वो तब का नहीं आए, और हुआ भी हूँ। अभी भी स्कूल के सिलेबस में पढ़ाते कबीर एक जुला था, क्योंकि सिलेबस में उन कर्मकांडियों के हाथ में था, उन्होंने लिख दिया। आज भी देश के कोने कोने में बच्चों को पढ़ाया गया कबीर एक जुला। बिजली खान पठान उनके शिष्य थे, वो अवध के नवाब थे, और वीर सिंह बघेल भी उनका शिष्य था, वो काशी का राजा था, दोनों बच्चों। मगर मैं कबीर साहब शरीर छोड़ा, अब मैं कहूँ मैं शरीर छोड़ना तो मेरी पूरी संगत नहीं आएगी, आखिरी में आई तो वो कंट्रोल हो गई। वीर सिंह ने कहा जब ये शरीर छोड़ेंगे इनकी डेड बॉडी सेनापति को कहा काशी में चले। मैं हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार। बिजली खान पठान ने कहा भाई सुन वीर सिंह, आप हम गुरु भाई, तुम काशी के राजा हो, मैं अवध का नवाब। अवध में 17 डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा है। बिजली खान पठान बड़ा था, बोला देखो अगर तुम्हारा गुरु है मेरा भी रोशन, काशी में तुमने नाम लिया मैंने भी। मैंने कबीर साहब को निमंत्रण नहीं दिया, अब मेरे राज्य में आ गए, मेरा अधिकार है, मैं इनका संस्कार इस्लाम के अनुसार करूंगा। वीर सिंह ने एक बात कही, इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है, लेकिन वैष्णव थे साहब मांस नहीं खाने। इस्लाम अगर मुसलमान करके कबीर साहब को दफनाया तो कबीर साहब की शिक्षा खत्म हो जाएगी, हिंदू नहीं मानेंगे और मुसलमान मांस नहीं छोड़ेगा। वीर सिंह ने कहा, बिजली खान ने कहा यार ये कौन सी बात है, मैं भी तो मुस्लिम हूँ। वीर सिंह बिजली खान ने कहा मैं छोड़ दिया, ये तर्क नहीं है, नहीं मैं संस्कार मैं करूँ। इस इतिहास को कोई समझता नहीं है। दोनों बोला ठीक है, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए, न वीर सिंह छोड़ना चाह रहा था न बिजली खान, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। यही कबीर साहब का कमाल था, जो 120 साल में नहीं बोला एक मिनट में बोल गया। जब लड़ाई के लिए तैयार हुए, आकाशवाणी हुई लाखों लोगों के सामने, प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा नहीं है मर्दा, अद्भुत प्रकाश हुआ, धुने हुए सब चद्दर उठाई, फूल मिले। हिंदुओं ने उठाकर समाधि बनाई, मुसलमानों ने मजा, आज भी प्रतीकात्मक। क्या कोई ऐसा जलवा दिखाया, मेरा सवाल है, कोई दिखाया जलवा ऐसा? ये पहला और आखिरी आदमी व्यक्तित्व तो है, ही वॉज नॉट बॉडी, अभिगत से चलाया, इसलिए वो जो लाए वो इंसानी नहीं है, बाकी जितने हैं मानवीय हैं, जितनी परंपराएं स्थापित हुई मानव की भूलें हैं उसमें। आइए देखिए आखिर हमारे देश में उपासना पद्धति क्या है, दो है ना, कहाँ से आई? आइडियल, सब साहब ने पहले सबको नकार दिया, कितनी बड़ी क्रांति लेके आए, इस सबको फ्रॉड बोला, और क्या बोल दिया, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा, जो रक्षक ते जानत नहीं, जो भक्षक सेवे नर का, सब काल पुरुष की भक्ति करे उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। आगे क्या करे, गण गंधर्व ऋषि सहस 88 सत्य ठोर सपने नहीं देखा, ये सपने में भी वहां नहीं गए, मैं उस देश से आया। खैर चलिए आगे आते हैं, ये गुत्थी बड़ी भयंकर है, अंदर ईश्वर है और हम समझ नहीं पा रहे। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कोई बसे उपदेश,
तन में मन में नयन में बाकी को नदेश। तो दो उपासना पद्धतियाँ किसने शुरू की? चार वेद हमारे, हम क्यों बटे हैं? चार वेद हैं, ऋग यजुर् साम अथर्व। ऋग्वेद क्या बोल रहे हैं? हमारे धर्मशास्त्र ये, हम बटे हुए हैं बड़े, हम बड़े बुरे बटे हैं, हम संग्रहित नहीं। ऋग्वेद कह रहे हैं जेते त्रिशम तेते अनित्यम, जो भी दिख रहा है सब नाशवान है, ईश्वर निराकार। दूसरा यजुर् क्या बोला है? नथिंग, निराकार कुछ नहीं है। चार वेद में 100,000 श्लोक है, ऋग यजुर् साम अथर्व। एक जमाना था जो चार वेद पढ़ता था आचार्य की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता था। क्या होता था? पोस्ट ग्रेजुएट, उसको कहते थे वेदाचार्य, वेद आचार्य, आचार्य डिग्री इक्वल टू पीजी होता। पूरी सम्यक शिक्षा उसमें, चार वेदों में 100,000 श्लोक है, 80,000 श्लोक हैं कर्मकांड के, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कृत है क्या अकृत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 16,000 श्लोक हैं देवताओं की शक्तियाँ, उनके काम क्या क्या है इन चार वेद। 4,000 श्लोक में पढ़ रहे उत्पत्ति और ईश्वर और आत्मा के बारे में। वेद बुरी चीज़ नहीं, यजुर्वेद में देवताओं की उपासना और पंच तत्व का है, इसलिए कुछ लोग यजुर्वेद को मानने वाले हैं, इसको माना वो मूर्ति पूजा सर्वगुण पूजा ये मान रहे। तीसरा है सामवेद, वो क्या बोल रहा है पता है? कोई साकार नहीं, कोई निराकार नहीं, ईश्वर है ही नहीं। साहब क्या बोल रहे हैं? नाचना कूदना तालका पीटना रांडिया खेल लिए भक्ति ना, ये तो रांडिया खेल है। सामवेद क्या बोल रहा है? नो गॉड, सोल इज गॉड। इसलिए कुछ लोग नहीं कह रहे हमारे धर्म में आत्मा ही परमात्मा, तो हम फिर बट गए, एक धारणा का और जन्म हुआ। इसलिए बुद्ध ने भी आत्मा ही बोला, ईश्वर नहीं बोला, वो सामवेद पर चला। महावीर स्वामी सामवेद पर चला, उन्होंने हम खींचा इनमें से तत्व पर। चौथा अथर्ववेद क्या कह रहे हैं? नो सोल नो गॉड, कर्म ही धर्म है, कर्म स्थापित किया। इसलिए कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं कर्म ही धर्म है। देखा हमें विरासत में बिखराव मिला, इन चार वेदों से 6 शास्त्र बने, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, 6 शास्त्र। न्यायशास्त्र कपिल मुनि ने बनाया, जो न्यायशास्त्र का अनुकरण करने वाले हैं गौतम पुत्र के, वो न्याय, वो कानून मंत्री है समरसंघ की तरह, बाकी नथिंग, अपनी बात रखना है। सामवेद से सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने निकाला, वो कह रहे हैं अपने अंदर ऊर्जा पैदा कर, कोई गॉड नहीं, अहम ब्रह्मस्मि, यही सन्यासी भी यही कह रहे हैं। लोग धर्म समझते नहीं, भक्ति समझते नहीं, ऐसे लगे हुए हैं। तीसरा मीमांसा शास्त्र, वेदव्यास जी ने यजुर्वेद से निकाला, इसमें उपासना पद्धतियाँ, यज्ञ करना, हवन करना, तीर्थ, देवी देवताओं का, तिथि नक्षत्र, ये उससे चला। ये सब मानवीय उत्पत्तियाँ हैं, ठीक है। चौथा कर्णाद मुनि ने बनाया वैशेषिक शास्त्र, जिसमें कुछ सूत्र है कमाने के, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद से 3 शास्त्र निकले, इस तरह 6 शास्त्र, 6 हिस्सों में बट गए। फिर 18 पुराण निकले इन 6 शास्त्रों से, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। जिसने जो पुराण का अध्ययन किया, उपगोत्र में गया, शिव पुराण पढ़ा, वो शिव को ही सर्वशक्तिमान मान रहा है। जो आदिशक्ति शक्ति पुराण पढ़ा, देवी पुराण, वो देवी को ही मान रहा है। जो अग्नि पुराण पढ़ा, वो अग्नि। हम बढ़ते गए, फिर 128 उपनिषद बने। हम लोग तो 128 गोत्रों में बटे हैं, ठीक, हम एक नहीं हैं। इसलिए विरासत में हमें बंटवारा मिला, यह सर्वगुण भक्ति, तीर्थ जोग तप वगैरह, इसमें कोई सार नहीं है। अच्छा है, वासुदेव कृष्ण ने भी यही कहा कि अंदर में ही है सब कुछ, यार कहाँ भटक रहा है अर्जुन, इधर कृष्ण जी का मंदिर बनाकर राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण ने बोला क्या वो तो तू सुन ही नहीं रहा। सवाल उठा कर कृष्ण जी का मंदिर क्यों बना, महत्वाकांक्षियों ने मंदिर बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। वासुदेव कृष्ण ने तो अर्जुन को यही कहा आत्मांत ईश्वर है, सर्वभूतान हृदय ईश्वर नमंत भ्रष्ट अर्जुन, कहीं मंदिर बोला ही नहीं उन्होंने। ये तो इंसान की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इंसान अपने अपने हितों के लिए बहुत भगवान बनाया, आगे बहुत भगवान बनेंगे। ये पूरी पद्धतियाँ इंसान की हैं। दुनिया बड़ी तेज है, ठग में बहुत तेज दिमाग होता है, वो ठगी करके दूसरे की अकल घुमाता है। सर्वगुण नाम निरंजन राय, सर्वगुण मैं सार नहीं भाई, निर्गुण नाम निरंजन राय साहब ने दोनों को स्टॉप कर दिया। कितनी बड़ी क्रांति लाई,
ये पांच ऋषियों ने शुरू की और वो खुद भटक गए। तो साहब कह रहे अंधा हुआ तेह पर माई बहुत पीछे जाए, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए रण का रोम करो सोहंग सत ज्योति निरंजन रण का। निर्गुण भक्ति में पांच नाम है, पंच मुद्रा है, सभी पंथों में देश में यही चल रहा है। साहब कह रहे हैं कौन स्टार्ट किया सुनो, ज्योति निरंजन चाचल मुद्रा सोहन नैनन मान किसको जाना गोरख योगी महादेव ने, गोरखनाथ ने चाचली मुद्रा शुरू की। यहाँ ध्यान रोकना का यहाँ ऊर्जा लिया पूरी पूरी ऊर्जा यहाँ इकट्ठी कर, अभी तेरी ऊर्जा पूरे शरीर में है इसलिए बिखर गई है ऊर्जा, सांस द्वारा है इसलिए प्राणों को इकट्ठा करके ऊर्जा यहाँ संग्रहित कर और प्रकाश देख, यही है परमात्मा। निरंजन आंख से नहीं दिखेगा, बाद में गोरख खुद कबीर साहब के पास पहुँचा, थ्योरी फैल हो गई। ओंकार भूषणी मुद्रा त्रिपति है अस्थाना व्यासदेव जिसको पहचाना महाज्ञान हो जाए। ओंकार का प्रारंभ व्यास ने किया इसलिए वेद की हर ऋचा में ओम लिखा, लेकिन साहब कह रहे ओंकार निरंजन सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा स्थान, सोहंग शब्द का प्रारंभ किया सुखदेव ने बंकनाल में जाना। साहब ने इसको भी कहा जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सोहंग सोहंग जपू अमिथ्या जन्म गवाए, सत सब सो मुद्रा सो प्रकाश नहीं जिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक को दे। राजा जनक सत सब सहस्त्र साधु आखिर में क्या हुआ, अरे भाई सुखदेव खुद ही जनक के पास पहुंच गया, अपनी थ्योरी उसने छोड़ दी, जैसे आप पहला गुरु छोड़कर मेरे पास आ गए ऐसे सुखदेव भी खुद पलटी खा गया, सच सब का संदेश दिया राजा जनक, वो खुद अष्टावक्र के पास बाद में पहुंच गया। रणकार खेसरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव रणकार पहचाना। साहब क्या बोले पांच शब्द और पांचों मुद्रा वह निश्चय करवाना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना, सिद्ध सात त्रिदेव आदि के पांच शब्द में अटके मुद्रा साथ रहे घट भीतर फिर उन्हें मुलट। बोला आज तक यहीं तक रहे, देखा कितना डीप जा रहे हैं साहब, इसके आगे भेद हमारा। अब एक सवाल उठा साहब एक बात और क्या करें, अंधा अगुआ तेह पर माई भवन देते हैं पीछे जाए, जब आपको टाइगर दबाना ही नहीं आता है बंदूक लेकर घूमने से कोई फायदा हुआ क्या। धनुर्वेद में सभी शस्त्र चलाने की कला है, गंधर्व वेद में 70 यंत्र बजाने की कला है, सितार कैसे बजानी है, गिटार कैसे बजानी है, हारमोनियम कैसे बजाना है, ढोलक कैसे बजाना है, ये गंधर्व वेद में है। धनुर्वेद में सभी हथियार सुदर्शन चक्र कैसे घुमाकर फेंकना है ये उस शास्त्र में विश्वामित्र ने लिखा है। पांच शब्द का कहूँ ठिकाना वो पांचों काया में जाना, नैनन माया निरंजन रूपा ओंकार है त्रिपुटी भूपा बंकनाल सोहंग दिगसारा और ताओं पर सत्शब्द राजा और रणकार है दसवीं द्वारा ज्योति निरंजन जाम नाम रखने के लिए इंडा पिंगला मिलाकर के इस जगह ध्यान में काम करना है। ज्योति निरंजन जाम का श्वास में ओंकार के लिए आज्ञा चक्र में स्वंग में बंकनाल को बंद करके खोल करके और जैसे का और बंकनाल में जाना होता है और रणकार की सिद्धि करने के लिए जीभ तालु में लेकर के चक्र शोधन चक्र भेद इनको पता ही नहीं है। साहब कह रहे पांच शब्द का कहूँ ठिकाना ये पांचों काया में जाना ताकि ऊपर सत शब्द राजा, इसलिए आगे क्या बोल रहे हैं साहब पांच शब्द और पांचों मुद्रा वह निश्चय कर जाना उसके आगे पुरुष पुरातन जिसकी खबर न जाना, सिद्ध सात देवा दिले पांच नाम में अटके मुद्रा साथ रहे घट भीतर फिर होंगे फिर आएगा माँ के पेट में इसके आगे भेद हमारा। हाँ फिर ये क्या दादू दयाल साहब के लिए कह रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरा है अटपट चाल कबीर की मुझसे कहीं न जाए। वाह अब साकार उपासना वाला क्या थीम दिया, दान कर पुण्य कर देवी देवताओं की भक्ति कर तीर्थ कर शुभ कर्म कर स्वर्ग में जाओ, गलत थोड़ी है। लेकिन यार फिर कर्माणी छीने मृत्यु लोग का तू फिर आएगा, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव जीव बेचारा क्या करे जो ने सुना दे। तुम यहाँ युग युगंत से हो इस समस्या की गुत्थी नहीं सुलझी, अगर तुम मुक्ति पा चुके होते तो तुम्हारा जन्म नहीं होना था, तुम बाद में नहीं आए हो सतलोक से अनादिकाल से यहाँ हो और माया के चक्कर में हो, तुम नहीं निकल सकते हो किसी तप से किसी इंतजार से। तो गीत है ना कोई इल्तिजा कोई बंदगी न कजा से हाथ छुड़ा सकी न कजा से हाथ छुड़ा सकी जो चला गया उसे भूल गया। तुम जन्म मरण के चक्र से नहीं निकलोगे साहब कह रहे मैं निकालूंगा।
तुम्हारे अनंत जन्म हो गए। साहब ने दुनिया को सहज मार्ग की थ्योरी दी। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, धर्मदास अब साहब से पूछ रहा है तुम्हारी भक्ति कौन विद करूँ। अरे भक्ति करण को दाव न कहता भाई, मैं ठाकुर पूजा करता था, आरती करता था, अगरबत्ती करता था और वो करता था, दान पुण्य करता था, तीर्थ करता था, तेरी भक्ति का दाव ही समझ में नहीं आया, तुम्हारी भक्ति कौन विद करूँ। आपको भी लोग कहते होंगे कौन सी भक्ति कर रहा है, ये मानता ही नहीं कुछ, नास्तिक हो गया, तुम कैसे पार करोगे ये भी तो बताओ, तुम्हारी विधि क्या है, कर्ण योग, मुझे कुछ करना है या तुमने पार करना, तुम्हारी वाणी में कंट्राडिक्शन। सदगुरु आए छुड़ा मनहारा एक जगह तो बोल रहे हो, दूसरी जगह क्या बोल रहे हो, कंट्राडिक्शन। दूसरी जगह कह रहे हो अगर है शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जा, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, मैं तो नहीं करता। पहली बात जो आपने बोला सुनकर खुश हो गया, सदगुरु पार करेगा, मैं तो मस्त था। लेकिन आगे तुमने फिर ये कह दिया कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जा, सांस सांस प्रभु सुमर ले, मैं तो नहीं सुमर रहा हूँ, फिर तो मैं तो दुविधा में हूँ। क्लियर करो मुझे, ये बताओ तुमने पार करना है या मुझे भी कुछ मत मारना है। करनी योग के रहनी आशा। वाह, मैं ये एग्जांपल पिछली बार भी दिया था। एक बार रात के 2 बजे मुझे फ़ोन आ गया। पहले मैं बड़ा झल्ला, मैं कहा यार रात के 2 बजे फ़ोन क्या है, विचार आया कोई परेशान होगा, पूछा मैंने क्या बात है, कौन हो। बोला गुरुजी मैं बटाले तो लखविंदर बोल रहा हूँ। क्या बात है 2 बजे क्यों फ़ोन किया। बोला दिन में फ़ोन चकते ही नहीं हो, पीपर पंजाबी बोल रहा। बोला दिन में उठाते ही नहीं। मैं बोला दिन में 5 बार सत्संग करता हूँ, तेरा फ़ोन कब उठाना था, बोल क्या बात है। बोला गुरुजी मेरे से ध्यान में बैठ नहीं होगा। मैं खुश हुआ ये इंसान 2 बजे इसको फिक्र है अपनी, ये बोल रहा है मैं ध्यान भजन नहीं बैठ पा रहा हूँ। इसने दुनिया भी बात नहीं की है, इसने आत्मा के लिए पूछ रहा है। मैं बोला क्यों नहीं बैठा जाता है। अरे कॉलेज में एडमिशन लेके गए, जाना नहीं होता है तो क्यों लिए एडमिशन, जाना। बोला गुरुजी 4 बच्चे हैं और मैं बटाले में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, 8,000 तनख्वाह, इससे पूरा नहीं होता है तो मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा करता हूँ, थक जाता हूँ, बैठते ही नींद आ जाती है। बोला बैठते मैं सो जाता। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सोचा इसको थोड़ी कंसेप्शन देता हूँ, चलते फिरते भजन का। बोला भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता है। बोला गुरुजी बड़ी मशीनों पर काम करता हूँ, कंसंट्रेट रहना पड़ता है, भूल जाता हूँ। एक गढ़ दसो होना, यानी पंजाबी में बोला अब एक बात बताओ, अब पाँ भी बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे। वो कह रहा था मैं पार होऊंगा या बह जाऊँगा। मैंने कहा सुन जो नियम बताए हैं तू पालन करता है। बोला करता है, वो तो करता हूँ। मैं बोला फिर तू पार है। बोला किदा, यानी पंजाबी में बोला वो कैसे। तो साग देव बैठना है, ध्यान करना है, आरती करना है, भजन बैठना है, श्वासा में अप्पा नहीं करते, अप्पा भी पार जड़ा करता वो भी पार का दिल आगते हो कि बैठना है। वो बोला फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि ध्यान करो भजन करो, जब अप्पा वैसे ही पार हैं तो इतना झंझट का किसके लिए। बंदे ने पकड़ लिया। बोला जब गुरु जी एवं ही पार हैं तो फिर कादे लिए आगते हो, यानी किस लिए कहते हो कि ध्यान करो बे हो ये करो सुरती, इतना बड़ा झंझट क्यों आगते हो जब पार ही पार हैं। बोला सुन तू पार होगा, एक झंझट है, घिसता पिटता रगड़ा खाता बहता डूबता ठोकरें खाता घायल होता डूबता डूबता बनने लगेगा, वो पार थोड़ी। बोला किनारे, अब ये बता तुझे कैसे चलना है, सीधे चलना है या घिसकते पिसकते चलना है। तो बोला बात समझ में आ गई। मैं कहा नहीं तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे तेरा मन कुंठित हो जाएगा, तू गलतियां करने लगेगा, इसलिए करते रहना। धर्मदास साहब से क्या बोला, धर्मदास और तेज था, बनिया बहुत तेज होता है, वो पैसे का इंजीनियर है, ये मैकेनिकल इंजीनियर बनिया है, पैसे का इंजीनियर लड़ाई नहीं करता है, पैसा कैसे बनाना है बनिया से सीख लो भाई, जो इसमें बनिया है बुरा नहीं मान लो। बनिया कंगाल से कंगाल भी होगा 10-50 हज़ार तो भी उसके घर में मिल जाएंगे, वो पैसे का इंजीनियर है।